I must have to like the basic change of the calibre. Like so with the mango, okay, bargaining the price with the mango. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Agarwal. In case you are new here, then hi. I create content on makeup, fashion, lifestyle and vlogs. Today's video is going to be a haul video. After so long, I am doing a haul video, that too for Sarojini Nagar haul video. I really miss doing these kind of haul videos. I was just time pehle, agar aapko nahi pata to vlog jaake dekho. Maine pura market cover kara tha acche se. And I aapko ek information di thi. And yeah, bahut zyada meri thi, bahut zyada. To bahut kam shopping kar payi main. But jitne bhi pieces liye, kaafi acche the. Is baar mujhe accessories mein zyada acche piece मिले राधा दिन क्लोथिंग में इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे सरोजनी नगर में इस बार, क्योंकि पूरा विंटर कलेक्शन आ चुका है. मुझे विंटर का नहीं लेना था, अभी मुझे समर का ही लेना था. तो समर के लिए मुझे बहुत कम पीसेस मिले हैं, लाइक 4-5 बस, वरना तो मैं सरोजनी को पूरा भर के लाती थी. तो कोई नहीं, हम दोबारा जाएंगे, हम दोबारा डिगिन करेंगे और उस दिन टाइम भी कम था. तो पहले मैं आपको अपनी एक्सेसरीज वगैरह ही दिखा देती हूँ. फर्स्ट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर इज दिस. दिस इज द बैग. एंड ये जो आजकल बैग चल रहा है, ये पूरा मुड़ गया है यार. ऐसे जो शोल्डर बैग नहीं चल रहे आजकल, ये वो वाला बैग है. आप देख सकते हो ज़ीब्रा प्रिंट बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल. शोल्डर बैग प्लस गोल्डन चेन प्लस ज़ीब्रा प्रिंट, क्या चाहिए. और मैंने लिटरली, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जो फ्रेंड है इवन वो भी मेरे से पक गई. मैंने पूरी मार्केट में इतने शोल्डर बैग देखे. मुझे या तो लेवेंडर शेड का चाहिए था, या फिर मुझे ये वाला प्रिंट चाहिए था, और मुझे गोल्डन चेन ही चाहिए थी इसकी. और या फिर जो वाइट वाला होता है ना, वो भी ठीक लगता है, बट मेरी प्रायोरिटी ये वाला था और लेवेंडर वाला था. मुझे पूरी मार्केट में कहीं लेवेंडर वाला नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिला. एंड मुझे तो बोल, मैं जिसके पास भी जा रही हूँ बोल रही कि खत्म हो गया. आई वाज लाइक, मैं इतनी लेट क्यों आई हूँ. तो ऐसा भी नहीं था किसी के पास. काओ प्रिंट में थे वहाँ पे, बट काओ प्रिंट नहीं चाहिए था मुझे, ज़ीब्रा प्रिंट ही चाहिए था ये वाला. क्योंकि यार खुद देखो, अब हाँ मस्त लग रहा है. तो और गोल्डन चेन चाहिए थी मेन बात. एक जगह मिल भी गया था, बट उसकी चेन जो है ज़ीब्रा प्रिंट में थी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा. मैंने छोड़ दिया दिल पे पत्थर रख के. मैंने कहा नहीं. फिर हम बहुत घूमे, पूरा मार्केट घूम लिया. फिर एकदम एंड में हमें मिल गया फाइनली. मैंने ब्लॉग में आपको शॉप नंबर वगैरह सब बता दिए हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी शॉप नंबर थी, बट उसमें मैंने आपको सब बताया. आप जाके देख लेना अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए हो तो. फिर मुझे ये वहाँ पर मिला. एंड अगर आप इसे देखोगे तो पहले तो मतलब ऐसे बहुत स्पेशियस है, अभी बैठ रहा है क्योंकि इसके अंदर सामान नहीं है. एंड ये इसकी चेन है गोल्डन में, गोल्डन डिटेलिंग है इसकी. एंड इसके साथ एक ये वाली चेन भी आती है, जैसे हम मतलब एज अ स्लिंग भी ले सकते हैं ऐसे, जो एकदम ऐसे लॉन्ग वाली होती है. ये ऐसी है, डिटैचेबल है, लेकिन दोबारा लग भी जाएगी तो इट्स डिटैचेबल. तो इसकी चेन है वो भी ऐसे गोल्डन में है, तो वो भी मुझे काफ़ी सही लगा था. तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत सामान आ जाएगा इसमें, क्योंकि जो शोल्डर बैग होते हैं उनमें ज़्यादा ऐसे कुछ आता नहीं है. बट ये वाला था, क्योंकि जब मतलब मैं जब बैग लेती हूँ, मुझे थोड़ा चाहिए होता है कि जिसमें सामान आ जाए थोड़ा. एंड ये बोला था कुछ 500 का. एंड मतलब शोल्डर बैग में ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं हो रही थी कहीं पर भी, हर जगह 400. इन्होंने 500 का बोला था, बट क्वालिटी 450. एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड. नाउ कमिंग टू सेकंड एक्सेसरी विच इज़ दिस. दिस काफ़ी सही है ये, इनका जो बैंड है वो भी काफ़ी चौड़ा है. मेरे को थोड़े चौड़े में चाहिए थे, क्योंकि जो पतले वाले होते हैं वो मेरे पे बहुत सारे हैं. आई एम रेडी टू गो आउट. टेबल पर ऐसे रेट्रो वाली वाइब दे रहे हैं, 90s में जो चलते थे ये, जो हीरोइंस वगैरह लगाती थी ऐसे वाला. एंड पीछे बैंड बांधती थी, मुझे बिल्कुल वो वाली वाइब आ रही है ऐसे लगा के. उसके साथ ये बैग वाली ग्लासेस लगा सकती हूँ. तो आई वॉन्ट टू, मुझे कोई लेता हूँ ब्लैक ब्राउन से, मैं बहुत बोर हो गई थी. येलो भी मैंने यूज़ कर लिया, रेड भी यूज़ कर लिया, तो मेरे को थोड़ा वाइट में चाहिए था कुछ, तो इसीलिए मैंने ये लिया. एंड ये वो बोल रहे थे कि 500 समथिंग, 450 या 500 का बोला था उन्होंने एक पेयर. एंड फिर मेरे को एक ही लेना था, ये 250 में मान गए थे वो. मुझे एक और ग्लासेस दिखे जो बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट थे फॉर मेंस वेयर, तो मैंने अपने पापा के लिए ले लिया वो, क्योंकि पापा को चाहिए भी था. अभी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो ऑब्वियसली पापा के पास है, वो भी इतने का ही बता रहे थे. तो फिर मैंने बोला कि भैया दोनों के 400 दूंगी, लाइक 200 ईच. फिर मैं ये लेकर आई हूँ 200 में. एंड काफ़ी सही लग रहा है. थर्ड आइटम इन दिस इयररिंग्स, ये वाले इयरिंग थे. मुझे इनके डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन जैसे रोल रोल में आ रहा है ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ट्विस्ट हो गए यहाँ पे. एंड यहाँ पे भी ऐसे एकदम ट्विस्ट सा है इसके, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये. वो ये शॉप टाइप थी इयरिंग्स की, वहाँ पे इयरिंग्स ही थे बस, मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया है. तो मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा उन पर, तो मैंने ये लिए थे. एंड काफ़ी महंगे भी थे वन पे, लाइक जनरली वहाँ पे 20-30-40 में मिल जाते हैं, बट वहाँ का वहाँ पे बहुत महंगे थे और वो कम भी नहीं कर रहे थे. एकदम फिक्स था, 100 का अलग था, 200 का अलग एंड 50 का अलग. 50 वाले में मेरे को अच्छा नहीं लगा कुछ भी, तो ये 100 के हैं. एंड देन आई गॉट दी, ये भी 100 के ही थे. मैंने सोचा कि जब मैं पूरे दिनों ब्लैक आउटफिट पहनूंगी, लाइक ब्लैक में बहुत पहनती हूँ, तो उसके साथ काफ़ी यू नो एकदम स्टेटमेंट पीस की तरह ये लगेंगे ये. एंड काफ़ी कलर भी कितना प्यारा लग रहा है ना ये, तो मुझे बहुत पसंद है.
मैंने ये भी ले लिए, दिस वॉज ऑल्सो फॉर रुपीज़ 100, दिस वॉज ऑल्सो फॉर रुपीज़ 100, एंड एक ब्लैक लेना तो बनता है, तो मैंने ये इतना ज़्यादा क्लासी लग रहा है ये, लाइक आप इसे वन पीस के साथ कैरी कर सकते हो, आप इसे बेसिक जीन्स आपके साथ कैरी कर सकते हो, मतलब ये इतना ज़्यादा जाएगा ना हर किसी आउटफिट के साथ, एंड एकदम क्लासी सा लुक नहीं होता वो दे रहा है, किसी लगा था इसका डिज़ाइन वैसे जिगज़ैग में, ऊपर से जो इसका मटेरियल है आई डोंट नो क्या चीज़ है ये, मेटल मेटल तो नहीं होगा क्या पता नहीं क्या है, बहुत हार्ड है एक तो, और बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो मैंने ये तीन ईयरिंग्स लिए थे सेम शॉप से, तीनों ही मतलब सॉफ्ट के थे, तो 300 रुपीज़ फॉर ऑल द थ्री। लास्ट आइटम फॉर दिस एक्सेसरीज पार्ट इज दिस वन, सरोजनी जाओ और कुछ ऐसे एथनिक सा नेकलेस नहीं लाओ तो कैसे चलेगा ये, अगर आप कुर्तीज़ वगैरह के साथ पेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। यहाँ पे ऐसे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है वो राजा महाराजा वाला रथ नहीं होता, जैसे रथ ही बोलते हैं ना शायद उसे, वो डोली टाइप पता नहीं मतलब ऐसे ही कुछ है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन इसी में एक डिज़ाइन था वहाँ पे हाथी बने हुए थे बहुत सारे, एंड उसके साथ इयरिंग्स भी थे हाथी के ही, बट मेरे को नहीं अच्छा लगे, मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने लिया था फॉर रुपीज़ 100, ये ऐसे मतलब छोटे बच्चे ऐसे लेके नहीं घूमते, वो ये ऐसे लेके घूम रहे थे तो उनसे बार्गेनिंग कराने में मतलब अच्छा भी नहीं लगता मेरे को, तो फिर मैंने पूछा कितने का है, तो ही बस लाइक 100 का है दीदी ले लो, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ले लो, तो फिर मैंने ले लिया, मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि एंड फिर बार्गेनिंग तो कैरी कराती मैं 100 का था, तो ले लिया मैंने। ये सब था एक्सेसरीज में, आते हैं क्लोथिंग पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस टॉप जो मैंने अभी वेयर कर रखा है, देख सकते हो इसकी स्लीव्स के ऐसे रफल वाला है ये, जो नेक है जो स्क्वायर नेक होती है वो वाली नेक है, एंड आई एम रियली लविंग दिस वन, इसका ये आगे से ऐसे वी शेप में है, एंड पैटर्न भी काफ़ी सही है, इसमें कलर्स भी थे बहुत सारे, बट मैंने रेड देखा एंड आई वाज लाइक मुझे यही वाला चाहिए, मुझे इसमें लेवेंडर पता नहीं आजकल मुझे लेवेंडर से क्या ऑब्सेशन है, मैं वो वाला ढूंढ रही थी पर वो मुझे नहीं मिला। ये वाले टॉप में भी मैंने दो तीन दुकानें छोड़ दी थी लेवेंडर के चक्कर में, बट फिर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं ले लेती हूँ, पता चले मैं खाली हाथ। तो ये वाला टॉप है वो बोल रहे थे कुछ 400 समथिंग का, बट आई गॉट दिस फॉर रुपीज 200। नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम इज दिस टी शर्ट, ये वाली टी शर्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जो ऐसे एकदम प्रिंटेड वाली होती है ना, कलरफुल वाइब्स वाली, ऐसे जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना ब्रश वाले जो पेंटिंग होती थी वैसे वाले, जिसमें कलर्स होते हैं ब्लू वाइट, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है, नहीं देखा तो जाके देख लेना, बहुत सारे कलर्स थे इसमें, बट आई लाइक दिस पिंक, एंड इसमें लिखा हुआ है लव इज लव, प्यार प्यार है, मेरी प्रिंट है एंड काफ़ी सही है। फिर क्रॉप शर्ट होती है, क्रॉप टी शर्ट होती है वो है ये, एंड जो मुझे इंस्टा पर फॉलो करता है उन्होंने देख ही लिया होगा, ये भी और ये भी मैंने दोनों पहन लिया ऑलरेडी हॉल से पहले ही, देख नहीं हुआ मेरे से तो। ये थी 100 की, कोई बार्गेनिंग नहीं थी वैसे, वो 30 वाला होता है वो था, उस पर बहुत सारे कलर्स थे तो ये निकाला मैंने, 100 का टैग था। नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम इज दिस टॉप, ये क्रॉप टॉप ही है, एंड इसमें इसका जो फ्रंट है ये वेयर नेक ही है इसकी, जैसे इसकी है बैक में ऐसे वो की डिटेलिंग दे रखी है, एंड जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी सी थ्रू है, लाइक आप मतलब पूरी स्किन दिखेगी, तो इसके नीचे कुछ इनर वगैरह पहनना पड़ेगा कंपलसरी, एंड हाँ ये भी क्रॉप में ही है, मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है अच्छा है, बट सी थ्रू है तो नीचे कुछ पहनना पड़ेगा, बस ये ड्रॉबैक है। एंड इसमें भी काफ़ी प्रिंट थे कलर्स थे, बट आई रियली लाइक दिस वन क्योंकि चेक में है ये, एंड मैं ज़्यादातर ब्लैक जींस पहनती हूँ या फिर ब्लू पहनती हूँ तो दोनों पे चल जाएगा आराम से, एंड ये था 100 का सीन। ओके सो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम इज दिस वन, दिस इज द कुर्ती, नीचे से ऐसी है ये, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मतलब लेंथ ऐसी छोटी है, शॉर्ट कुर्ती टाइप होती है वो है ये, जींस के साथ पहन सकते हो आपसे, एंड इसमें ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी क्योंकि मुझे लगा था इसका फिट बहुत ज़्यादा प्यारा होगा, एंड है भी फिट अच्छा है, मैं आपको वीडियो अटैच कर दूँगी आप देख लेना, बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ से ना जो बटन्स की प्लेसमेंट है वो बहुत अजीब तरीके से है, पता नहीं वो मुझे थोड़ी सही करानी पड़ेगी, मैं करा लूँगी वो, क्योंकि जब पहनते हैं तो थोड़ा ना वो यहाँ से ऐसे एकदम उठ जाता है, तो बटन सही नहीं लगे हुए हैं इसमें, बटन सही कराने हैं मुझे, बाकी दिस इज अ गुड बाय, आई एम रियली लविंग दिस कुर्ती, इसके साथ मैं वो वाला जो नेक पीस लेकर आई हूँ वो पहनूंगी, बहुत प्यारा लगेगा। And this was also for rupees 100 or 50, I don't remember, 50 या 100, इन दोनों में से कुछ था। और होता है कि आने के इतने दिनों बाद जब हॉल शूट करते हैं, मैं कर ही नहीं पाई थी क्योंकि फिर आने के दो दिन बाद ही मेरा सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का था, तो मुझे वहाँ जाना था, एंड उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इस बार तो कुछ ब्लॉग व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया, इसी में बता देती हूँ कि लग चुकी है मेरे सेकेंड डोज भी, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था, और दो तीन दिन तो मैं बिल्कुल ऐसे पड़ी रही, बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था लिटरली, सो या फिर मैं अब बना रही हूँ फाइनली थोड़ा सही होके, तो इसलिए अब मेरे माइंड से स्किप हो गए हैं प्राइसेस, मतलब उसी का हुआ है वैसे और किसी का तो नहीं हुआ। सो नेक्स्ट आइटम इज दिस वन, मेरा कभी भी हॉल कोई भी कंप्लीट नहीं होगा बिना एक लेपर्ड प्रिंट के, हर हॉल में बोलती हूँ मैं कि अगली बार नहीं लूँगी, और हर अगले हॉल में मैं आपको लेपर्ड प्रिंट का कुछ ना कुछ तो दिखाई देती हूँ। बाय द वे मैंने अभी एक बैग लिया है, स्लिंग बैग, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने उसके लिए लेना था मुझे, एंड मुझे वो एक्सीडेंटली लेपर्ड प्रिंट का ही पसंद आया, स्लिंग बैग था काफ़ी प्यारा लग रहा है, एंड उसमें वाज लाइक भैया कॉलेज में कॉल देता मुझे भी लेना है कि लेपर्ड प्रिंट, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड यही बोल रही थी कि तुझे खुद तो पसंद है लेपर्ड प्रिंट, अब तो मुझे भी मतलब मेरा घर भी लेपर्ड प्रिंट से ही भरेगी क्योंकि मेरे पास तो बहुत समझ है लेपर्ड प्रिंट का।
सो दिस इज द टॉप. जो स्लीव्स हैं वो ऐसे एकदम लूज वाली नहीं होती, वो वाली हैं और यहाँ तक आएंगी. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे ऐसे प्रिंट है, फिर नीचे ग्रीन है. एंड ये ना मतलब मैंने ये सोच के लिया था कि बहुत ज़्यादा लूज होगा, सही लगेगा. अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी सर्दी सी आएगी, मतलब सर्दी और गर्मी का जो बीच का मौसम होता है उसमें काफ़ी सही जाएगा जब हमें कुछ फुल पहनना होता है, बट ऐसे एकदम हैवी भी नहीं पहनना होता. एंड थोड़ा लूज मुझे सही लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा ओवर साइज में लिया. इसमें छोटा साइज भी था बट आई वॉज लाइक नहीं मुझे यही चाहिए. एंड प्लस ये 50 का था बस, तो मैंने कहा ठीक है ले लेती हूँ, क्या ही जा रहा है घर में पहन लेंगे. नेक्स्ट आइटम इन क्लोथिंग हॉल इज दिस वन. स्विम वेयर का है, थोड़ा क्या लाइक स्विम वेयर का ही है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक. एंड इसकी बैक काफ़ी सही लगी. मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, नायलन है, आई गेस नायलन ही बोलते हैं इसे, एकदम मक्खन वाला नहीं होता, बहुत सही लग रहा था पहन के भी. अब मैं चाहूँगी स्विमिंग के लिए तो मैं यही पहन के जाऊँगी. फॉर जस्ट रुपीज 50 यू गाइस, आई नो यू वॉन्ट बिलीव 50. इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब रिंग वाला नहीं होता आँखों को, उसमें से अच्छा लगता है. पेस्टल कलर आजकल वैसे भी बहुत चल रहे हैं. तो यहाँ बस यही था हॉल के लिए, बस मैंने यही 4-5 टॉप लिए थे एंड एक्सेसरीज मैंने आपको दिखा दी है. तो रियली होप यू फाउंड दिस इन्जॉयबल, आपको मजा आया हो हॉल देखने में. एंड अगर आपको कुछ भी लेना है इन सब में से, लाइक जानना है कहाँ से भी आप कहाँ से ले सकते हो, मैंने व्लॉग में आपको सब कुछ बताया है. आप प्लीज़ वहाँ पर जाके अच्छे से पूरी वीडियो देखो. छोटी सी है, मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं डाली, बट मैंने पूरी मार्केट कवर करी है. तो आप जाओ और जाके देखो. यही नेक्स्ट हॉल बनाऊंगी मैं, देखते हैं आप कौन सी मार्केट में जाना होगा. सो ये फायदे में नेक्स्ट वीडियो चल रहे हैं. बाय बाय.